थैंक यू एवरीवन कि आप लोग कितना शॉर्ट टाइम में भी आ गया. एक्चुअली अच्छा होता कि हम खेल कर आते, मगर अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाए और खेल कर भी नहीं आ पाए, अपना परफॉर्मेंस भी दिखा कर नहीं आ पाए आप लोग को. आप लोग प्राउड होता कि हम खेल कर आते, और ये मोमेंट खेल कर आने से ज़्यादा बेहतर होता शायद. वैसे मेरा नाम एप्रिल लांगू है. मैं एशियन गेम्स क्या कब से हम लोग ट्राई कर रहे हैं इसको, मतलब जैसे इसने बोला कितना साल हो गया हम डर भी नहीं गया. पहली बार तो बहुत दूर गया हम लोग यहाँ पे, कि इस तरह हम लोग विदाउट एनी पार्टिसिपेट हम यहाँ खालिया वापस आ गया. तो हमको एक्रेडिटेशन कार्ड मिल गया था, वो जो कार्ड होता है जो वहाँ जाने के लिए जो वीज़ा का काम करता है. बट हम एयरपोर्ट भी गया, मतलब मेरा लगेज वो चेक इन होने वाला था, तभी हमको वहाँ से इन्फॉर्मेशन दिया गया कि आपका कैंसर हो गया. एशियन गेम्स में खेलेगा, पार्टिसिपेट करेगा, उसमें मेडल्स आ गया, अपना अरुणाचल का नाम और इंडिया का नाम रिप्रेजेंट करेगा और ऊँचा करेगा. लेकिन ये सब सबसे बड़ा तो सर का था, क्योंकि सर चाहता था कि हम एशियन गेम्स से पार्टिसिपेट करें, उसमें मेडल्स लाए. लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये सब हो गया, तो बहुत दुख है. अभी आप लोग का सामने में अरुणाचल उसू तीन प्लेयर है जो इंडिया टीम माने इंडिया का के लिए रिप्रेजेंट करना था चाइना में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर दिया था वो लोग का नाम. तो हम रिक्वेस्ट है इंडिया गवर्नमेंट से, चाइना गवर्नमेंट को अच्छा से बात करके डिप्लोमेटिकली या हाइस्ट लेवल से बात करके फ्यूचर में भी हमारा खिलाड़ी लोग ऐसा वंचित ना हो, इसको सॉल्व कर देने. ठीक है, अगर सॉल्व करने बिल्कुल नहीं सकता है तो ओनली फॉर एथलीट्स, नॉट फॉर टूरिस्ट, ओनली फॉर एथलीट्स स्टेफन बिसा में जाने देने से भी ठीक है, हम ऐसा सोचते हैं. उसू में काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ है, कम से कम हमको लगता है कि फाउंडर मेंबर वगैरह आप लोग उसमें आते हैं. लेकिन चाइना इसे बार बार क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को, हमारा प्लेयर को जाने नहीं देता है, बच्चों लोगों का कोई गलती है क्या? चाइना रहो या चाइना चाहे जितना चिल्ला लो, इंडिया का नाम बदल जाएगा क्या? नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ चाइना जो बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया का स्टेट है बोल के रिकॉग्नाइज नहीं करता है बोल के, इसलिए जो डॉक्यूमेंट हम लोग का जो आदमी डालता है वो डॉक्यूमेंट इनवैलिड होता है. तो कुछ को जाने दिया है. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिजिजू, किरण रिजिजू गया है जो बीजिंग एशिया ओलंपिक गेम्स में देखने गया है, तो उसको जब एमपी को जाने दिया है तो हमारा तीन प्लेयर्स को भी जाने देना चाहिए. ये हमारा रिक्वेस्ट है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको जैसा भी रिजॉल्व करना है, फ्यूचर में भी हमारा उसू का बॉक्सिंग का, वेट लिफ्टिंग का, कराटे का, ताइकंडो का, आर्चरी का एथलीट्स लोग जाएंगे. हमारा यहाँ का अरुणाचल बहुत टैलेंटेड है. हम लोग स्पोर्ट्स में लेट शुरू किया है, मगर होने से भी अभी ऑल इंडिया में हम लोग का बच्चा लोग पूरा माने स्टार बनने के लिए शुरू हो रहा है. तो इसलिए इंडिया गवर्नमेंट इसका ठोस कदम उठा करके ये इशू को सॉल्व कर देने से अरुणाचल के लिए बहुत अच्छा होगा, अरुणाचल स्पोर्ट्स के लिए. तीन प्लेयर जो इधर चाइना के लिए जाने नहीं सके, हम लोग सब उसो का टीम से और पेरेंट्स का टीम से हम लोग सब दुखी है. इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट को मैं एक रिक्वेस्ट करता है कि मेरा तीन बच्चा जो तीन प्लेयर को जो इंसेंटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट गवर्नमेंट से जो मिलना है, हम लोग उसको स्टेट गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करता है कि वो मिलना चाहिए. उसका बाद ये तीन बच्चा का तीन प्लेयर को जो ग्रेजुएटेड पोस्ट को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करता है कि ये हमको हम लोग को तीनों बच्चा को एशियन गेम के लिए जो मिलना था मिलना चाहिए सर. हम तो स्टेट गवर्नमेंट का ये मेरा एक अपील है, क्योंकि ये तीनों का गलती नहीं है, तीनों जो एशियन गेम में क्वालिफाइड हुआ है, तीन बच्चा तो एशियन गेम क्वालिफाइड हुआ है. नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है ये तीन बच्चा जो, ये तीनों का गलती नहीं है, ये गलती जो हम लोग का चाइना का गलती है, हम लोग तीन बच्चा को आने नहीं दिया, मेरा तीन उसू तीन प्लेयर को आने नहीं दिया है. थैंक यू. ताकि एशियन गेम्स में खेलेगा, पार्टिसिपेट करेगा, उसमें मेडल्स आ गया, अपना अरुणाचल का नाम और इंडिया का नाम रिप्रेजेंट करेगा और ऊंचा करेगा. लेकिन ये सबसे बड़ा तो सर का था, क्योंकि सर चाहता था कि हम एशियन गेम्स से पार्टिसिपेट करें, उसमें मेडल्स लाए. लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये सब हो गया, तो बहुत दुख है. लेकिन इस बात की खुशी भी है कि बहुत सारा हमें सपोर्ट किया है हमारे स्टेट
गवर्नमेंट ने स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन और किरण रिजिजू सर उसका स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बहुत कोशिश की उन्हें लास्ट तक कि हमें वो एशियन गेम्स में खिलाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया इसलिए बहुत कोशिश। मैम आपके साथ में ऐसा हुआ है, आप लोग तीनों का साथ में ऐसा हुआ है, आप लोग जाने नहीं मिले, इतना आप लोग सपना देख के जाने का जाएगा सोच रहा था पर जाने नहीं मिले, इसमें आप लोग का क्या कमेंट रहेगा चाइनीज अथॉरिटी के टूवर्ड्स में? इसमें तो अभी हम क्या बोल सकते हैं क्योंकि ये सब तो हम लोग बात का बात नहीं है, तब तो भरा भरा तो वापस का बात नहीं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमें खेलने मिले। इसे भी अभी अरुणाचल और भी बहुत सारे प्लेयर्स निकल रहे खेलने के लिए, क्या बताऊँ उन लोगों का गेम्स भी चाइना में हो तो हम सोचते हैं कि वो ये सिचुएशन जल्दी ख़त्म हो जाए। डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, सो पहली बार तो बहुत दुख है हम लोग यहाँ पे कि इस तरह हम लोग विदाउट एनी पार्टिसिपेट हम लोग यहाँ खाली अब वापस आ गया। सो दुख इसलिए है क्योंकि इसके लिए हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग ने 2014 से खेलना स्टार्ट किया था वो शू। सो 2018 में एक बार हुआ था जैसे इंडोनेशिया में, तो उसमें तो हम लोग बहुत छोटा था तो हम लोग उसका उसके लिए क्वालिफाई तो नहीं हुआ था, बट आफ्टर डेथ हम लोग बहुत मेहनत किया हमारे सर हम लोग के साथ, कोरोना समय में हम लोग घर भी नहीं गया एशियन गेम्स के लिए, तो कंटिन्यू लगातार ये 2022 से हम लोग कंटिन्यू कैंप भी लगा हुआ था ये एशियन गेम्स के लिए, पटियाला श्रीनगर में भी हुआ हमारा, मेरठ में भी हुआ इसी के लिए। तो हमको एक्रेडिटेशन कार्ड मिल गया था, वो जो कार्ड होता है जो वहाँ जाने के लिए जो वीज़ा का काम करता है, बट हम एयरपोर्ट भी गया मतलब मेरा लगेज वो चेक इन होने वाला था तभी हमको वहाँ से इन्फॉर्मेशन दिया गया कि आपका कैंसिल हो गया, तो उस टाइम हम ऐसे हो कि शॉक हो गया क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे होगा बोल के, तो बस उसके लिए तो बहुत दुख है क्योंकि इतना साल मेहनत किया हम तीनों, कभी घर भी नहीं गया बहुत साल से जब से हम हाँ ठान लिया था कि एशियन गेम्स पार्टिसिपेट करना है खेलना है उसके लिए। सो लेकिन ऐसे नहीं है कि अभी हम यहाँ रुक जाएगा, हम लोग और भी अभी नेशनल गेम्स आ रहा है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी है और आगे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए मेहनत तो करेगा, लेकिन इस तरह अगर ऐसे रुकते ही गया तो हमारे लिए मतलब प्रॉब्लम हो जाए ना आगे, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत किया आगे, हमारा सर स्पेशली बहुत मेहनत किया, हमारा पेरेंट्स भी हो गया जो जब भी कुछ ज़रूरत होता है तो हमेशा अवेलेबल होता है हम लोग को सपोर्ट करने के लिए स्पेशली ये एशियन गेम्स के लिए। और वैसे खुशी इसलिए है क्योंकि बहुत सारा लोग ने आप लोग ने इतना सपोर्ट किया, पेरेंट्स लोग सर ने मोटिवेट किया कि डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अगर यहाँ डिमोटिवेट हो गया तो फिर आगे परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। और हमारा वहाँ जो अरुणाचल ओलंपिक है जो बाबंग तांगो सर ने भी बहुत सपोर्ट किया हमें कि मतलब मॉरली बहुत हमें बूस्टअप किया कि दुखी नहीं होना ये नहीं होना, किरण रिजिजू सर से हम लोग फेस टू फेस बात भी हुआ उनसे, तो सब ने बहुत सपोर्ट किया इसलिए थैंक यू। पहली बात थैंक यू एवरीवन कि आप लोग इतना शॉर्ट टाइम में भी आ गया, एक्चुअली अच्छा होता कि हम खेल कर आते मगर अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाए और खेल कर भी नहीं आ पाए, अपना परफॉर्मेंस भी दिखा कर नहीं आ पाए आप लोग को, आप लोग प्राउड होता कि हम खेल कर आते और ये मोमेंट खेल कर आने से ज़्यादा बेहतर होता शायद। वैसे मेरा नाम एपुंग नामगु है, मैं एशियन गेम्स क्या कब से हम लोग ट्राई कर रहे हैं इसको, मतलब जैसे इसने बोला कितना साल हो गया हम घर भी नहीं गया एशियन गेम्स के लिए, और वैसे भी वुशू में एशियन गेम्स सबसे बड़ा रहता है हमारे लिए, तो हम उसके लिए बस सोचते हैं कि एटलीस्ट एशियन गेम्स में इतना टॉप गेम है वो हम लोग का वुशू के लिए ओलंपिक में आ जाए तो बहुत अच्छा बात है, आ जाएगा कुछ सालों में, मगर अब तक तो एशियन गेम्स सबसे बड़ा गेम है हमारे लिए, तो हम बस वही सपना देखते हैं कि एशियन गेम्स में जाके मेडल लेकर आना था, अगर गया होने से भी जैसे भी लेकर आना था, ऐसे नहीं है कि हम लोग बस जाके बस यूँ आ जाना था, गया होता ना तो जैसे भी लेकर ही मेडल आता, आप लोग को प्राउड फील कराता। एंड और बहुत थैंक्स करना चाहते हैं हमारा वुशू फेडरेशन ने बहुत हेल्प किया है हम लोग को, डीमोटिवेट फील नहीं कराया, जहाँ हम लोग को मतलब 19 को हम निकलने का था उन लोग सब चले गए, फिर भी हम लोग से चाइना से होके भी उन्होंने कॉन्टेक्ट में रहा अच्छा से कि क्या चल रहा है वहाँ, जैसे भी हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग हो जाएगा तो आ जाएगा करके, तो थैंक्स उसके लिए बहुत। एंड एक्चुअली बात ये है कि ये पहले भी हो चुका है शायद नहीं वो कंफर्म हो चुका है, मतलब हम जब चौथा था तब ये हुआ था कुछ दीदी लोग के साथ, तो फिर हम लोग तो सोचा था कि जब हम लोग बड़ा हो जाएगा हम लोग भी उस गेम जा रहे हैं, हम लोग भी अरे स्पोर्ट्स पसंद करके खेला है हम लोग, स्पोर्ट्स के लिए हम लोग अपना पढ़ाई को भी मतलब बेग रखा है थोड़ा, तो उसके लिए हम लोग इतना सपना देख के खेल रहे हैं और ये हो चुका है, सोचा था कि हम जब बड़ा हो जाएगा तो हम लोग ठीक से खेलेगा और ये नहीं होगा, मगर दो बार हुआ ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स भी हम लोग नहीं जा पाए, स्टेपल वीज़ा लगा है हमारा शायद आपको पता होगा, फिर अभी इसमें भी लग गया फिर, तो हम लोग का फ्यूचर क्या है कभी कभी समझ में नहीं आता क्या आगे में क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाता है,
ऐसे नहीं है कि हम लोग इतना सा कदम से छूट गया बस, हम सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है। जैसे इंडिया टीम, सारा टीम को जो मिला है सब कुछ है, बस एक कार्ड का वजह से हम नहीं गा पाए। वो ओनिलू और मेरा जो कार्ड आया है, नंबर वगैरह सब आया, मगर हम जब उसको डाउनलोड करने के बारी आता है तो हमारा वो तो ही नहीं करता है, अकाउंट एग्जिस्ट नहीं है बोलता है, तो इसमें हम रह गया। एंड मेहनत बहुत करता है हम लोग इसके लिए, सर जो इतना सपना देखा है जब से हम लोग वुसु आया, जब से हो संभाला है वुसु अच्छे से खेलेगा, तब से सर ने एक ही सपना देखा है, आगे जाके खेलना है, अर्जुना एवर्डी लेना है, एशियन गेम्स में खेलना है। वो हमारा सिर्फ सपना नहीं है, सबसे बड़ा सपना सर का है, फिर जो हमारा पेरेंट्स है, रिलेटिव्स है, हर एक कदम में साथ देता है। स्पोर्ट्स खेलना बहुत आसान नहीं है, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल सब बहुत वेस्ट होता है, इतना इन्वेस्ट होता है कि जब आखिर में कुछ नहीं मिलता है तो थोड़ा डिमोटिवेट होता है। इसमें कोई लोग लगे कि क्या है, कोई बात नहीं, जाके नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग, ये नेक्स्ट टाइम तो आए, कोविड की वजह से हम लोग इसके इंतजार था, अभी ये नहीं जा पाए इतना छोटा सा चीज़ में, नेक्स्ट टाइम में ठीक है, हम लोग होप नहीं छोड़ेगा, मगर भी फिर नेक्स्ट टाइम में अगर ऐसे नहीं बोल सकते कि चाइना में कभी गेम नहीं होगा, होगा चाइना में, ये हम लोग सिर्फ बाद में, ये जो फ्यूचर आ रहा है उन लोग के लिए भी है, क्या चाइना में नहीं जा सकता है बोल के बच्चा लोग, बाद में आने वाला जनरेशन लोग तब तो ट्रायल ही नहीं देगा ना। इतना अच्छा प्लेयर आ रहा है अभी अरुणाचल से, तो चाइना में गेम है तो पता चल जाता है, लोग पहले वेन्यू मालूम हो जाते हैं कि गेम ऐसे ऐसे चाइना में है, तो क्या बच्चा लोग जा ही नहीं पाएगा, मतलब ट्रायल ही नहीं देगा ना, तब तो चाइना में जाएगा ही नहीं। हम लोग ट्रायल देके भी क्या करेंगे, ट्रायल देने के लिए भी हम लोग अपना पूरा जाना पड़ता है कहीं, और ट्रायल देना होता है, वहाँ इन्वेस्ट होता है पैसा, प्रोटीन, खाना, सप्लीमेंट, ये सब पूरा पैसा चला जाता है। और पैसा, वैसे पैसा नहीं मांग रहे, वैसे हम जस्ट आस्किंग गवर्नमेंट टू प्लीज अश्योर आवर फ्यूचर, कुछ तो अश्योर कर दीजिए, हम बस छोटा सा कदम से छूट गया है बस।